ऐसे ही देर हो रही है। अब्बा फोन का जवाब नहीं दिया तो पार्सल भेज दिया। पार्सल भी ना ये आपकी तरह है बिल्कुल जिद्दी। चप्पल? अब्बा ने अपनी पुरानी चप्पल क्यों भेजी है? अच्छा खत भी है यार। कौन पता। आरजू बस यही कि कुछ अनकही न रह जाए। अब्बा मेरी बात बस तुम तक पहुंच ही जाए, अधूरी न रह जाए। जैसे कई खतों में ये खत तुमसे फिर कहीं गुम न हो जाए। तुम्हारी मुआफ़ी मिल जाए आमिर, बस मुआफ़ी मिल जाए, तुम्हारी मुआफ़ी मिल जाए। अरे क्या हुआ, क्यों इतने गुमसुम हो गए हो आप? बेटा है, रुट के जाएगा कहाँ, आ जाएगा वापस। आखिर गलती उसकी ही तो थी। नहीं मियां, गलती उसकी नहीं थी, गलती हमारी ही थी। ये आप नहीं, आपका गम बोल रहा है। काश मेरा गम बोल रहा होता तो इस वक्त मेरा आमिर सामने होता। शर्मा जी के बेटे को जानते हो ना? हाँ हाँ सुना है, बड़ी कंपनी में बड़ा मैनेजर बन गया है और काफी होनहार लड़का है वो। उतनी होनारी के साथ वो तबीयत से रिश्वत भी खाता है। और मेरा आमिर ना ही रिश्वत खाता है और ना ही कोई चोर डाकू है। लेकिन दुनिया उसे वैसा। अरे जनाब अभी शर्माने से क्या फायदा, गे है वो। गे? हाँ तो मेरा आमिर ये है। लेकिन इसमें बुरा क्या है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मियाँ ये कह रहा था कि गलती उसकी नहीं हमारी ही थी। और आज जब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है तो आमिर शहर छोड़कर कहीं और चले गया है। आज मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। कहीं मेरा ये पछतावा कहीं ना रह जाए। दुआ कीजिए। आमिर पता है बहुत नाराज हो, मिलना भी नहीं चाहती, इस खत का जवाब भी नहीं दोगे ये भी पता है। इसलिए इस बार ये चप्पल भेज दी साथ में, याद है अक्सर इसे पहनकर छुप जाया करती थी। कितनी कोशिशें की तुमसे मिलने की पर तुम भी तो अपने अब्बा पर गए हो, जिद्दी। खैर थोड़ी तबीयत खराब है मेरी मियाँ, इसलिए शायद ये आखिरी खत तुम्हें लिख रहा हूं। अपने अब्बा को माफ कर दोगे ना? कर देना मियाँ।
कर देना। तुम्हारा अब्बा।